नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से हरियाणा के 22 के 22 जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया, अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा में आने वाले 2-3 दिन और मौसम में बदलाव परिवर्तनशील रहने वाला है। मौसम में कल 22 अप्रैल शनिवार को लेकर भी मौसम विज्ञान विभाग ने पूरा अनुमान जारी किया है। जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कल हरियाणा में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है अलग अलग जिलों में, और न्यूनतम तापमान कल हरियाणा में 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है अलग अलग जिलों में। कल दिन में हवाओं की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है और रात्रि में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कल दिन में आर्द्रता 24% रहेगी और रात्रि में आर्द्रता 34% रहेगी। कल सुबह सूर्योदय 5:50 पर होगा और सूर्यास्त होगा 6:53 पर। अब जान लेते हैं जिले वाइज मौसम अपडेट कल आपके अपने जिले की 22 अप्रैल की। अम्बाला से शुरू करते हैं। अम्बाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, झज्जर, हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद और फरीदाबाद में कल हल्का मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर बादलवाई के साथ साथ मौसम परिवर्तनशील रहेगा, वैसे खुश्क भी रहेगा और साफ भी मौसम रहेगा, लेकिन बादलवाही जरूर रहने वाली है और इन जिलों में कल बारिश होने की संभावना 3% से लेकर 11-12% के बीच बनी रहेगी। यदि फिर मौसम में बदलाव होता है बीच में तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। चरखी दादरी, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, पंचकुला, पलवल, मेवात, नू, महेंद्रगढ़ में भी इसी प्रकार का मौसम रहने वाला है। कल 22 अप्रैल को इन जिलों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बादलवाही भी रहने वाली है। हल्की, मध्यम और कई स्थानों पर तेज गति की हवाएं भी चलने वाली हैं। इन जिलों में बारिश होने की संभावना 7% से लेकर 14% के बीच बनी रहेगी और बारिश होने की संभावना रात्रि में ज़्यादा बनी रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।